गधों के गोश्त की फरोख्त और गधे की खालों की एक्सपोर्ट्स की खबरें पाकिस्तान में आए दिन अखबारात की जीनत बनती रहती हैं, मगर ये बात आपके लिए यकीनन हैरत का बायस होगी कि बरतानवी तंजीम डोंकी सेंचुरी के मुताबिक अगले चंद बरसों में दुनिया भर में गधों की तादाद नस से भी कम रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ चीन में सालाना 50 लाख से ज्यादा गधों की खालें दवासाजी और कॉस्मेटिक्स अशिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि बाकी दुनिया में गोश्त और दीगर मसनूआत के लिए गधों की नस्ल कुशी अलग है। चमड़े की सनत में 2010 तक पाकिस्तान और दीगर कुछ ममालिक की मोनोपोली थी, मगर फिर चीन इस शोबे में आया और उसने सबको मात दे दी। चीनी ताजर पाकिस्तान आए तो इन्हें इलम हुआ यहाँ बकरे गाय और भैंस की खाल महंगी जबकि गधे की खाल सस्ती है, क्योंकि मुसलमान गधे का गोश्त नहीं खाते। यहाँ बीमार गधे जब मरते हैं तो उनकी खाल उतार कर फरोख्त कर दी जाती है, जो कि 1000 रुपये तक बिकती थी। ये बात चीनी ताजरों के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि गधे की खाल गाय या भैंस की खाल से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत होती है, जिसे मामूली सा फिनिश करके घोड़े की खाल बना लिया जाता है, और घोड़े की खाल का सोफा ही सिर्फ $5,000 से शुरू होता है। नीज दीगर मसनूआत अलग हैं। चीन में गधे की खाल से जेलेटिन हासिल करके एक जलनादवा इजाओ बनाई जाती है, जो नज़ला जुकाम से लेकर बढ़ती उम्र के असरात को कम करती है। नेज कॉस्मेटिक्स की अशिया बनाने में भी इस जेलेटिन का इस्तेमाल हद से ज्यादा है। यह सब देखकर चीनी ताजरों ने धड़ाधड़ गधे की खालें खरीदनी शुरू कर दी और मुल्क से लाखों खालें एक्सपोर्ट होना शुरू हो गईं। गधों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। जो गधा पहले 12,000 रुपये में मिल जाता था, अब 30 से 40,000 में भी मुश्किल है, क्योंकि किसान गधा खरीदते हैं, उसकी खाल उतार कर 15 से 20 हज़ार में बेचते हैं और बेचने वाले 100 से 125 किलो गोश्त को छोटे टुकड़े करके 400 से 500 रुपये किलो फरोख्त कर दिया जाता है। अगरचे हुकूमत की तरफ से इस मकरूह कारोबार और खालों के एक्सपोर्ट रोकने की कोशिशें की जाती रहती हैं, मगर फिर भी गधा माफिया इस कारोबार में सरगर्म है।